हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो मोस्ट वेलकम है आपका मेरे चैनल नीतू स्वीट होम में। तो चलिए, आज की वीडियो जो है वो सुबह से अभी मतलब कि टाइम हो रहा था 7:30, और 7:30 बजे से लेकर रात के 9:30-10 बजे तक का वीडियो आज का शूट हुआ है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वीडियो आप लोग फुल इन्जॉय कीजिएगा। तो नाश्ते के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो नाश्ते में बनाने जा रहे हैं वही तुरई की सब्जी, हम लोग तो झींगा ही बोलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली डेली ये लोग यही सब खाती है, यही सब्जी ज़्यादा खाती है। तो एक्चुअली बात यह है ना कि ये सीज़न में ना ये बहुत ज़्यादा मिलता है। इधर लंबे लंबे झींगे होते हैं, हम लोग तो झींगा ही बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। आप लोग तुरई बोलते हैं, कोई गिलकी बोलते हैं, तो बोलने का नाम अलग अलग है। तो बस वही बन रहा था, और ना अभी हरा सब्जी मिल रहा है ये वाला, तो खा ले रहे हैं। वैसे भी ये इधर ना हमारे तरफ सब्जी जो है सीज़न में मिलता है, जिसका जो सीज़न है वही सब्जी मिलता है। तो इसीलिए अभी ये मिल रहा है तो इसको बना रहे हैं। तो आज तो भाई प्याज वाला बना रहे हैं। और ना जल्दी जल्दी से आज नाश्ता बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। आप सभी को पता ही है कि कल है विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को, और अनंत चतुर्दशी भी है, और आज बहुत ज़्यादा काम। आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ जब भी कोई त्यौहार आता है तो काम थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लोहा के सामान है, सबको मतलब सबकी सफाई होगी आज डीपली, क्योंकि कल है विश्वकर्मा पूजा। तो हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी तो नहीं होता, लेकिन हाँ विश्वकर्मा पूजा होता है, तो उसकी तैयारी आज करनी है। और बारिश का मौसम है तो ज़ोरदार बारिश हो रही है मॉर्निंग से ही। तो खैर बाहर का तो काम नहीं है, जब बारिश होती रहती है ना तो काम थोड़ा सा ये लगता है बंधा बंधा सा लगता है कि खुल के काम नहीं कर पाते। ऐसे तो मेरा ज़्यादातर काम आंगन तरफ ही होता है, पानी वाला काम, साफ़ सफाई वाला काम ज़्यादातर उधर ही होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये लग रहा है। लेकिन क्या करें, पानी बरसे या फिर तूफान आए, काम तो करना ही है, त्यौहार है तो काम तो होगा ही। तो सबसे पहले तो नाश्ता बना लेते हैं, पहले खा लेते हैं, उसके बाद काम में लगेंगे, क्योंकि ना एनर्जी रहेगा शरीर में तो ही ना काम कर पाएंगे। तो चलिए, हमारा आज का नाश्ता यही था, तुरई की सब्जी, आलू का चोखा और रोटी। नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, तब तक टाइम हो गया था 12 बजा था, और 12 बजे ही इतना तेज़ बारिश बढ़ गया। बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा हो रही है कि अभी से लग रहा है जैसे शाम शाम जैसा मौसम। पक्का 12 बजा है, दोपहर का टाइम है, लेकिन मौसम लग रहा है शाम शाम जैसा। घर के अंदर तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। और पिछले साल का जो है विश्वकर्मा पूजा, उसमें तो हम इन सब सामान को जो है पानी से सीधा डायरेक्टली डिटर्जेंट और पानी से धो दिए थे, लेकिन इस बार धोते नहीं बनेगा, इतना बारिश हो रहा है कि धोएंगे तो फिर सूखेगा ही नहीं। तो इस बार कुछ नया, मतलब नया क्या, इसका सॉर्ट आउट जो उपाय होता है साफ करने का, वही सोचे हैं। तो सबसे पहले तो इसको खोलेंगे, मतलब इसका जो पार्ट अलग हो जाता है ना, तो साफ़ करने में थोड़ा सा कम मेहनत लगता है, कम गंदा आसानी से निकल जाता है, आसान पड़ता है। यहाँ पे कॉलिन ले लिए हैं और एक में भर लिए हैं वही डिटर्जेंट का थोड़ा सा पानी, इससे ना थोड़ा अच्छा से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो पंखा है ना, इसको हम मतलब बहुत कम ही साफ़ करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था तो इसका यूज हो रहा था। अभी तो खैर पड़ा हुआ ही है, 2 दिन से तो इतना कंटिन्यू बारिश हो रही है कि पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और लाइट भी हमारे तरफ नहीं है, मतलब लाइट भी कटा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, काम तो होता ही रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बता देते हैं आप लोगों को कि जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। खैर वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत से फ्रेंड का कमेंट आता है कि दी आप डेली वीडियो डालो। तो देखिए, डेली वीडियो डालने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन मुझसे ना हो नहीं पाता है। जैसे कि आज हम काम कर रहे हैं 16 तारीख को, तो 16 तारीख का वीडियो हम शूट कर रहे हैं, रात में इसको एडिट करेंगे। काम करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है,
और आज की जो वीडियो है वो रात तक की वीडियो है। तो रात तक की वीडियो में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि फिर रात में एडिटिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसमें फिर इसको अपलोड में लगाना पड़ता है। तो इसके लिए रात में अपलोड होगा, तो कल 17 तारीख तक ये वीडियो आप लोगों के स्क्रीन तक, मतलब मोबाइल तक पहुँच जाएगा, तो आप लोग देख पाओगे। ऐसे हो जाता है, फिर 17 का वीडियो शूट करेंगे हम, तो फिर 17 तारीख को शाम को एडिट करेंगे, तो 18 तारीख को ही जाएगा 17 का वीडियो, 17 तारीख को नहीं जाएगा, या फिर 19 तारीख को जाएगा। अगर नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो फिर 17 तारीख को अपलोड नहीं हो पाता, तो फिर ऐसे में पूरा 17 तारीख का रात, फिर 18 तारीख का दिन, फिर टाइम ज़्यादा लगता है अपलोडिंग में, तो इसके कारण वीडियो डिले हो जाता है। ऐसे हो जाता है, इसीलिए वीडियो मेरा डेली नहीं जा पाता, हो ही नहीं पाता, क्योंकि अकेले है ना, तो काम भी घर का करना होता है, खाना भी बनाना होता है, बर्तन भी धोना होता है, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो काम होता है वो होता है, फिर वीडियो का काम होता है, इसीलिए हम नहीं कर पाते फ्रेंड्स। कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, आप लोग कमेंट करते रहना। तो चलिए, यहाँ पे तो सारा पंखे वंखे हम साफ़ कर दिए थे, उसके बाद सबसे ज़रूरी था आज का ये काम, सिलाई मशीन, क्योंकि इस ये भी विश्वकर्मा जी, जितने भी लोहा का सामान होता है सबको हम लोग विश्वकर्मा जी मानते हैं, और बिना उसकी साफ़ सफाई का पूजा नहीं हो सकता। तो कल ना हमारे यहाँ, आप लोगों को पता ही है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, मतलब पिछले साल का वीडियो में हम बताए थे विश्वकर्मा पूजा का, कि मेरे यहाँ पंडित जी सुबह सुबह आ जाते हैं, हालांकि रात में ही आ जाते हैं, लेकिन इस साल रात में नहीं आएंगे, सुबह सुबह आएंगे, मॉर्निंग में ही। तो इसकी सफाई अगर हम आज ना करके रखें तो फिर कल मॉर्निंग में पूजा नहीं हो पाएगी, फिर लेट हो जाएगा फिर मेरे यहाँ। और एक बार अगर पंडित जी लौट गए ना, तो फिर मुश्किल है कि दोबारा आएंगे, तो इसीलिए हम 16 तारीख को ही सारा साफ़ सुथरा करके रख दिए थे, कि कल मुझे ज़्यादा साफ़ सुथरा करना ना पड़े, जो डेली रूटीन का जो काम होता है मॉर्निंग में वो करें, और फिर मेरा पूजा स्टार्ट हो जाए। बस यही कोशिश थी, और यही जद्दोजहद में हम लगे हुए थे कि चाहे जितना भी लेट हो हम आज कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, कि आज मुझे मार्केट भी जाना है, अगर आज मार्केट ना गए तो फिर कल मॉर्निंग में तो उतना जल्दी दुकान खुलेगा नहीं, फिर कुछ ला नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा, और बारिश भी हो रही है तेज़, मार्केट भी जाना है, मतलब कि आज ऐसा मान लेना कि जैसे लग रहा है कि चुनौती है, जैसे भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि करो, करके दिखाओ, हम भी रुकेंगे नहीं, ऐसा ही लग रहा है आज तो बस। लेकिन हाँ, करते तो रहना है। बस यहाँ पे जो मेरा बर्तन है, ये बर्तन नाश्ते का भी है और खाने का भी है, मतलब दोपहर में जो खाना खाए ना उसका भी है, दोपहर का खाना खाया, मतलब लंच का वीडियो तो हम शूट नहीं किए और ना ही आप लोग के साथ शेयर किए, बहुत बार किए हैं तो इस बार नहीं सोचे। और वैसे भी हम लंच में जो बनाए थे ना, बहुत ही हल्का फुल्का बनाए थे, वो जो सुबह तुरई का सब्जी बनाए थे वो, और चावल, बस वही लंच था, ज़्यादा नहीं बनाए थे कुछ। और उसके बाद मेरा जो इतना बर्तन है, देख रहे हो आप लोग, नाश्ता और लंच दोनों का है। किचन में आए थे तो जब फ्रिज साफ़ किए तो चूल्हा भी साफ़ हो गया, उसके बाद लगा कि यहाँ का काम हम निपटा ही लें, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। और आज जैसा मौसम है ना, कि कपड़े तो कुछ धो नहीं सकते, जो भी था थोड़ा बहुत पोछना और साफ़ करना बस वही किए, कपड़ा धोना नहीं था। और अब देखिए शाम के 5:30 बजने जा रहे हैं, बज गए हैं 5:30, तो बस कपड़ा चेंज किए फटाफट से, अब दियाबाती करेंगे, और दियाबाती करने के बाद ही अब मार्केट निकलेंगे, क्योंकि दियाबाती के पहले हम मार्केट या फिर घर छोड़ के जाते नहीं हैं शाम को, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस यहाँ सबसे पहले दियाबाती कर लेते हैं, पूरे घर में दिया को घुमा लेते हैं, घी का दिया जलाते हैं, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, हमारे मन में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और उसके बाद अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार हुए हैं, तैयार क्या, वही जो कपड़ा था वही पहने, वैसे भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अभी थोड़ा सा कम है, तो सोचे कि जल्दी जल्दी से जाते हैं और जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। वैसे भी उधर से निम्मी के पापा साथ में रहेंगे ही, और तो दिक्कत नहीं होगा, गाड़ी है ही, तो उनके साथ हो जाएंगे, चले जाएंगे। बस फ्रेंड, मार्केट का वीडियो हम बना नहीं पाए, ज़रा सा भी शूट नहीं कर पाए, वैसे हम फ़ोन लेके गए थे लेकिन नहीं कर पाए, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, फ़ोन निकाले नहीं। तो बस यहाँ से हम मार्केट से आ गए, जो ज़रूरी सामान था वो लेके आ गए, और क्या सामान लेके आए ये तो कल आप लोगों को दिख ही जाएगा पूजा के समय। यहाँ पे लेके आए थे 2 समोसा, थोड़ा भूख लग रहा था,
सोचे थे कि गुपचुप खाएंगे, लेकिन गुपचुप वाले थे नहीं बारिश में, वो लोग का ठेला निकलता नहीं है तो थे नहीं, तो हम दो समोसा लेके आ गए। सोचे निमिक पापा एक एक हम, उसके बाद तो फिर खाना खाएंगे ही। और खाना भी आज बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा कि अब मुझसे नहीं हो रहा था कि अब हम रोटी और सब्जी या फिर कुछ और बनाए। तो बस यहाँ पे एक एक समोसा खा लिए। निमिक पापा को अच्छा नहीं लगा, वो जल्दी समोसा खाते नहीं है, बस लाए थे इसीलिए खाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे ना आज मकई लिए थे, सुबह सुबह जब झींगा कर रहे थे ना उसी समय मकई भी कर रहे थे, तो सोचे कि रोटी और सब्जी बनाने से अच्छा है कि यहाँ मकई पका के खा लेते हैं, रात का हम लोगों का डिनर भी हो जाएगा और मकई भी खा लेंगे। तो बस ये कोयला जो हम रखते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं तो उसका रखते हैं कोयला जमा करके, तो आज देखिए कितना बढ़िया काम आ गया। तो बस यही कोयला में मकई पकाएंगे और हम लोग दोनों खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि रोटी बनाने का मतलब है ना कि फिर बर्तन गंदे होंगे, फिर बर्तन धोना पड़ेगा और फिर किचन भी गंदे होंगे, किचन भी साफ़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा वाला ये आइडिया लगा कि मकई जब है ही तो उसी को पका के खाते हैं। और आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि निमी के पापा का मकई खाने का अंदाज कैसा है, उनका मतलब उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, हम लोगों के जैसा नहीं है। हम लोग जैसे खाते हैं ना, उनका बस ये है कि नमक डालें, वो भी सफ़ेद नमक, और उसमें डालेंगे घी। वो नमक के साथ घी को मिलाते हैं, उसके बाद फिर मिर्च के साथ मकई खाते हैं, मतलब भुट्टा खाते हैं, उनका बस यही स्टाइल है। अगर घी ना रहा तो फिर इसमें सरसों का तेल मिलाएंगे उसके बाद खाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं खाते हम लोग ऐसे नहीं खाते। हम लोग तो सिर्फ नमक, मिर्च और भुट्टा, या फिर नींबू है तो नींबू लगा के खा लिए। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा आग बहुत अच्छे से बढ़िया आग तैयार हो गया, अब इसमें पटापट से मकई पकेगा और खाएंगे। और फ्रेंड हमारे तरफ ना सीजन में ही मिलता है, अभी सीजन है भुट्टे का, मकई का तो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं, खूब खाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात आज की ये थी ना कि आज का मेरा सारा काम भी हो गया, कल मेरा काम में आसान होगा। और हम लोगों के यहाँ क्या त्यौहार जो है, हमें थोड़ा थकान तो देती है, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में शांति और सुकून बहुत ज़्यादा आता है। और आज जो नींद आएगी रात में वो तो पूछने वाली नहीं है, बहुत तेज़ नींद आएगी और बहुत सुकून और शांति की नींद आएगी, चैन की नींद आएगी ये कह लेते हैं। तो चलिए हमारा भुट्टा तो पक गया, चार था, दो मेरा और दो निम्मी का पापा का, हम लोग दोनों दो दो खा लिए। ये तो आ नहीं रहे थे, उधर न्यूज चल रहा है टीवी में, तो वो बोल रहे थे उधर ही दे दो, हम बोले अब उठ के जाएंगे देने के लिए, तब तक मेरा यहाँ जल जाएगा, आप ही आ जाइए इधर। तो फिर आके बैठे, फिर इनको गर्मा गर्म भुट्टा देने लगे। तो आज का हमारा डिनर यही रहेगा, गर्मा गर्म बरसात में भुट्टा। बारिश बाहर तेज़ हो रही है, अभी हम जब वॉइस ओवर कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसा बारिश का आवाज़ आ रहा है। मतलब ऐसा है ना कि दो दिन से तो हो रही है, लेकिन कल परसों जो था ना कि 10-15 मिनट के लिए बीच में छूटता भी था, लेकिन आज तो एकदम कंटिन्यू है। बहुत थोड़ा सा छूटा था शाम को जब हम मार्केट गए थे, नहीं तो फिर छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो लगी कैसा ये ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से आप लोगों को याद दिला रहे हैं लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के होते होते। तो चलिए चलते चलते अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। तो चलिए अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया, फिर आप सबसे कल मिलते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।